जीवित रहने के योग्य ही नहीं। हे ब्रह्मदेव, माता, मैं आप दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप दोनों ने अपनी भक्ति के उदाहरण से ये स्थापित कर दिया कि यदि व्यक्ति का उद्देश्य पवित्र हो, उसका हृदय निर्मल हो, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि जिनके विचार शुद्ध हैं, निर्मल हैं, भगवान भी उन्हीं का साथ देने के लिए प्रेरित होते हैं। आप दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आप दोनों को संपन्नता का आशीष देता हूँ। ये सभी तो मात्र सांसारिक वस्तुएं हैं। जीवन में सुख पाने के लिए इन्हें प्राप्त करना आवश्यक भी है, किंतु भोग के इन वस्तुओं से अत्यधिक मोह करना उचित नहीं। आप दोनों इनका आनंद उठाते हुए भी अपनी भक्ति और निष्ठा को सदा बचाकर रखिएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, और जो भगवान की भक्ति से ही संभव है। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है, किंतु मुझे अब यहाँ से प्रस्थान करना होगा। माता, आप दोनों का कल्याण हो। भगवान के लिए उसका भक्ति ही सर्वोच्च है। दुर्बुद्धि, मेरे भक्तों को पीड़ा देकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका दंड अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। नहीं, नहीं, नहीं। प्रथम पूज्य गणेश, अब मेरा जीवन तो मिट रहा है, किंतु अभी ये शत्रु तो नहीं मिटी है। मेरे बाद मेरा पुत्र तुमसे युद्ध करेगा, उसके पश्चात उसके पुत्र। ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। इस युद्ध को तुम कभी समाप्त नहीं कर सकोगे। ओम नमः शिवाय। Eh
गणेश का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया है। गणेश जी का क्रोध तो गर्जना के रूप में चारों दिशाओं में ध्वनित हो रहा है। नाथ, गणेश इतना क्रोधित क्यों है? मैं विनती करती हूँ, आप वहां जाइए और गणेश को शांत करने का उपाय कीजिए। इतना क्रोध मुझे कैसे आ गया और क्यों? मुझे क्रोध के इस आवेग को थामना होगा। फूफा जी यहाँ हैं, वो अवश्य यहाँ शांति स्थापित कर देंगे। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र, इतने क्रोधित क्यों हो तुम? ओम नमः शिवाय। मैं सभी को गणेश के विरुद्ध कर दूंगा। मैं गणेश को ऐसा कृत्य करने पर विवश कर दूंगा कि सभी उसको आयुग महादेव पुत्र मान लें, जैसे अभी तक मैं रहा हूं। प्रतीत होता है फूफा जी की बातों का प्रभाव मेरे दूसरे प्रतिरूप योद्धा गणेश पर हो रहा है, वो शांत होता दिख रहा है। पुत्र गणेश, इतना दुस्साहस कि कोई मेरा सामना करे, मेरे समक्ष आकर मुझे टोके, इसका दंड अवश्य मिलेगा आपको। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र, अपनी श्वास से मेरा खिंचाव बंद करो। ये हो क्या रहा? गणेश जी ब्रह्मदेव को अपने भीतर क्यों खींच रहे? गणेश जी अपने विकराल योद्धा रूप में ये कैसा अनर्थ करने जा रहे? सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मदेव, यदि उन पर संकट आया तो समस्त सृष्टि पर संकट आएगा। पुत्र गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? आपने मुझे टोका क्यों? क्यों टोका आपने मुझे? ये गणेश जी ब्रह्मदेव के प्रति इतने कठोर क्यों हो रहे? ये कैसा क्रोधावेश है उनका? ये क्या कर रहे हैं गणेश जी? गणेश ने तो जैसे निश्चय कर लिया है, वो शांत नहीं होगा। मेरा क्रोध अभी शांत नहीं होने वाला। गणेश रुक जाओ। पुत्र गणेश, ब्रह्मदेव को मुक्त कर दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। रुक जाइए गणेश जी। गणेश जी शांत हो जाइए। रुक जाइए गणेश जी, रुक जाइए। गणेश जी रुक जाइए। यदि गणेश की सूंड ने मुझे अपने भीतर खींच लिया तो मैं इस अनंत अंधकार में समाहित हो जाऊंगा। ये तो गणेश जी का स्वर है, किंतु गणेश जी ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो फिर ये स्वर किसका है?
एक और गणेश जी, यहाँ दो दो गणेश जी कैसे उपस्थित हैं? ये कैसे संभव है? गणेश, गणेश शांत हो जाओ। ये क्या हो गया है मुझे? क्रोध के ऐसे भीषण आवेग में क्यों बहा जा रहा हूँ मैं? नहीं, मुझे शीघ्र कुछ कर इस क्रोध के उन्माद, अन्यथा जिस किसी शक्ति के भी प्रभाव में हूँ मैं, उससे स्वयं को मुक्त होना होगा। कैसा अनर्थ करने जा रहा था मैं? क्या क्या हो रहा था यहाँ? फूफा जी, क्या मैंने आपको? हाँ, अपने क्रोध के आवेग में तुम फूफा जी को क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए फूफा जी, ज्ञात नहीं अचानक किसके प्रभाव में क्रोध के ऐसे अतिरेक में बह गया मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे। गणेश, तत्काल अपनी वास्तविक अवस्था में आओ, अभी इसी क्षण। गणेश जी, आप दो रूप में प्रकट हो गए, और क्यों? सूर्यदेव, मेरे भक्तों ने मेरी पूजा का संकल्प किया था, किंतु असुर दुर्बुद्धि उनके संकल्प में विघ्न उत्पन्न कर रहा था, तो मैं वहीं अपने भक्तों के साथ रुक गया, जिससे वो निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर सके। किंतु मेरा विकराल योद्धा स्वरूप इस संकट को मिटाने के लिए, दुर्बुद्धि का अंत करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। गणेश जी, आपकी लीला तो अद्भुत है। आपने एक भक्त की भक्ति का मान भी रख लिया और दुर्बुद्धि रूपी संकट का भी अंत कर दिया। धन्य है आप। यदि भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होगी? गणेश जी, अब जब दुर्बुद्धि का अंत हो ही चुका है, तो आप दोनों पुनः एक ही कर क्यों नहीं हो जाते? वायुदेव, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि एक समस्या है। गणेश जी, अब जब दुर्बुद्धि का अंत हो ही चुका है, तो आप दोनों पुनः एक ही कर क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि वायुदेव, जब तक मैं अपने क्रोध का कारण समझ नहीं लेता, तब तक मैं अपने क्रोध स्वरूप को स्वयं से विलग रखना चाहता हूँ, ताकि किसी के भी प्रभाव से मेरा क्रोध अनियंत्रित हो जाए, तो मैं अपने मूल रूप से स्वयं को शांत रखकर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में सक्षम रहूं। और अपने भक्तों की रक्षा करना तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। किंतु अब ये कर्तव्य शेष है गणेश, जिसका उल्लेख अभी तुमने किया। तुम्हारे भीतर अचानक उत्पन्न होने वाले क्रोध का स्रोत शीघ्र ज्ञात करना भी अति आवश्यक है। पिताश्री, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो मैं स्वयं करने जा रहा था। उचित है पुत्र, आत्मचिंतन से ही अपने कार्यों का उचित मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। अपनी भूलों को समझकर अपने दोषों का निवारण करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आत्मचिंतन के लिए एकांत में छोड़ता हूँ। फूफा जी, मुझे अपने कृत्य के लिए ग्लानी कम होगी यदि? पुत्र, तुम्हें ग्लानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। फूफा जी, वास्तविकता में मेरा अनुरोध तो ये था कि आप माँ से इस विषय में कुछ ना कहें, अन्यथा वो मुझे कहीं मेरे प्रिय भोजन मोदक से वंचित ही ना कर दे। महादेव, ब्रह्मदेव, अब हमें भी चलना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु।
गणेश जी, अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम प्रणाम। गणेश, ये क्या कर रहे थे तुम? क्या हो गया है तुम्हें? फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने? फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने? ये तो मैं स्वयं भी समझने में असमर्थ हूँ कि मुझ पर अचानक किसका प्रभाव छा गया था। क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता गणेश, उसे सदा नियंत्रण में रखना चाहिए। तुम मुझे समझा रहे हो? तुम स्मरण नहीं, जब चंद्रदेव के साथ वो घटना घटित हुई थी तब कितने आवेशित हुए थे तुम? तब मैं भी तुम्हें इसी प्रकार उलाहना दे सकता था ना? मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया, मेरे इस कथन पर विश्वास क्यों नहीं करते हो तुम? मुझे ज्ञात नहीं अचानक क्या हुआ था मुझे, अन्यथा क्या मैं कल्पना में भी फूफा जी को क्षति पहुंचा सकता हूँ? बोलो। हाँ, ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। ये अपार क्रोध का चक्र तो कुछ समय से निरंतर चल रहा है, किंतु अब हमें इसके मूल में भी जाना होगा। हाँ, क्योंकि ये घटनाक्रम कहाँ जाकर थमेगा किसे ज्ञात है। कल चंद्रदेव पर तुमने क्रोध किया, आज मैं क्रोधवश फूफा जी को ही निगलने चल दिया, तो कल तुम मामा जी को अपना आहार बनाने भी पहुँच सकते हो। फिर क्रोधवश तुम इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते हो, और तो और स्वयं भैया पर भी आक्रमण कर सकते हो। मैं नहीं, तुम, मैं अर्थात तुम। समझ गया समझ गया, हम दोनों एक ही तो हैं। चलो इसकी चर्चा छोड़ो, ये बताओ तुम क्या अभी भी क्रोध से प्रभावित हो? नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? और क्या, तुम्हारे क्रोध को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहो, क्रोध आया तुम्हें? अब मैं भी तुमसे वही प्रश्न करता हूँ, क्यों क्रोध आया तुम्हें? नहीं, ऐसे तो हम दोनों को ही क्रोध का आभास नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है हमारे क्रोध के मूल में कुछ और है, और इसका रहस्य शीघ्र ज्ञात करना होगा हमें। वो तो है, किंतु ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। गणेश का जन्म दिवस, महादेव का प्रिय पुत्र, क्रोध का आभास हुआ क्या? तो हाँ, अब हुआ मुझे अत्यंत क्रोध का आभास, अत्यंत क्रोध का। गणेश को पुनः क्या हो गया है? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ओह, तो क्रोध का स्रोत ये लाल धूम्र है। और ये धूम्र तो आकाश मार्ग से अवतरित हो रहा है, जहाँ आकाश इसके प्रभाव से रक्त वर्णीय हो गया है। जब हमें ये ज्ञात हो ही गया है तो विलंब किस बात का, हमें यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। जो भी इस क्रोध का कारण है, अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा। मैं तो उसे मसलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। क्या है वो गणेश, उसका सामर्थ्य क्या है? प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त की है उसने, क्योंकि महादेव का पुत्र है वो, यही है उसके प्रति सभी के स्नेह का कारण। किंतु मैं भी तो महादेव पुत्र हूँ, तो मैं अपना अधिकार अवश्य लूंगा, वो सब छीन लूंगा गणेश से, जो उसे प्राप्त है, उसके पिता का स्नेह, उसका उच्च पद, देवताओं में उसका स्थान। गणेश, अभी मेरे प्रकोप से सामना कहाँ हुआ है तुम्हारा?
ये जिसका भी दुष्कृत्य है उसे अब उचित दंड दूंगा मैं। जो भी इस क्रोध का कारण है अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा। मैं तो उसे मसलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। किंतु वो स्थान तो बहुत दूर प्रतीत हो रहा है। समय से मैंने एक टोकरी मोदक तक नहीं चखी, ऐसे में वहाँ जाऊंगा कैसे? मूषक जी को बुलाता हूँ। मूषक जी, मूषक जी, ये जिसका भी दुष्कृत्य है उसे अब उचित दंड दूंगा मैं। प्रभु, प्रभु, मैं आ गया प्रभु। प्रभु, अंततः बुला ही लिया आपने मुझे। मैंने नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया मैंने। नहीं बुलाया? अर्थात प्रभु, अभी तो आपका स्वर सुना मैंने। कैलाश में इतना सुंदर दिवस था आज, मैं भोजन से तृप्त होकर उपवन में विश्राम कर रहा था प्रभु। आकाश में मेघों की सुंदर आकृतियाँ देखकर प्रकृति का आनंद लेते हुए मैं बस निद्रा में खोने ही वाला था, और तभी आपके स्वर मेरे कानों में गूंजा, मोशक जी, मोशक जी। मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मूषक जी, एक और प्रभु। प्रभु, मूषक जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितने समय से पुकार रहा हूँ मैं आपको। आप मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करेंगे? मूषक जी, हम दोनों ही मैं हूँ। अब चलिए, शीघ्र हमें कहीं पहुँचना है। मैं आपको मार्ग में सब कुछ समझा दूंगा। उचित है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ मूषक जी, अब शीघ्रता कीजिए। आइए प्रभु, फिर आइए। अब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। शिखर तक पहुंच चुका हूं। मेरे अन्य स्वरूप पर दृष्टि बनी रहे ये अनिवार्य है। हाँ प्रभु। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, आगे बढ़िए। अरे अरे मूषक जी, मूषक जी, आप बाहर तो नहीं हुए ना?
जी को उलाहना मत दो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम क्रोध से आवेशित हो रहे हो, किंतु मेरा सुझाव है, गहरी सांस भरकर तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। स्मरण रखना, हम तुम्हारे क्रोध से उस स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं। इस क्रोध को स्वयं पर हावी मत होने दो, क्योंकि ये क्रोध तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है। वो देखो वहां, जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। वही लाल ऊर्जा, अपने जन्मदिवस से ही मैं बार बार उत्तेजित हो उठता हूँ। हाँ, मुझे भी बड़ा विचित्र आभास हुआ, जैसे कोई बाहरी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रतीत होता है कि जो हमारे क्रोध के मूल में ऊर्जा है, हमें उसका स्रोत प्राप्त हो गया है। जो भी हो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक ही समय पर प्रभु के इन दोनों रूपों का वाहन ना बनना पड़े। जब हम इस स्रोत तक पहुँच ही गए हैं, तो आगे बढ़कर इसका निरीक्षण भी कर लेते हैं। उचित कहा तुमने। मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना ही होगा। मूषक जी, क्या हुआ? अब मूषक जी कैसे उत्तेजित हो गए? मूषक जी, अरे मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं? मूषक जी, प्रतीत होता है आप भी किसी के प्रभाव में आकर अपना मूल स्वभाव खो बैठे हैं। इस खरे को क्षति मत पहुंचाइए मूषक जी, जाने दीजिए इसे। मूषक जी, यदि आपने इस निरीह प्राणी को तनिक भी क्षति पहुंचाई, तो आप अपने संपूर्ण जीवन में स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने नेत्र बंद कीजिए, गहरी श्वास लेकर अपने क्रोध को शांत कीजिए और जाने दीजिए इस वंचर खरे को। मेरे विचार से तुम्हें और मूषक जी को यहीं रुकना चाहिए। ये ऊर्जा विध्वंसकारी है, इसका प्रभाव तो अब मूषक जी भी झेल चुके हैं। यदि तुम सब और आगे बढ़े, तो कदाचित इस ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ अनिष्ट भी कर सकते हो। मैं ही आगे बढ़कर देखता हूँ क्या रहस्य है इसके पीछे। तब तक तुम यहीं रुको, उचित है।
तब तक मैं और मूषक जी वहाँ से निगरानी रखेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 कौन होगा? कौन हो तुम? कौन हो तुम जो यहाँ आकर मेरे तप में व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहे हो? वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। अच्छा, तो तुम हो गणेश? तुमसे पूर्व मैंने प्रश्न किया था, बताओ कौन हो तुम? भूम भूम हूं मैं। ये कौन है जिनका व्यक्तित्व एक अनोखी दिव्य दीप्ति से प्रकाशित है, जिनका रंग रूप इतना मनोहर और आकर्षक है, जिनके मुख पर क्रोध अवश्य है किंतु दुष्टता नहीं, इनकी लाल ऊर्जा के उत्पाद से हम त्रस्त अवश्य हैं, किंतु इनके भीतर छिपी सकारात्मकता का भी आभास हो रहा है मुझे, इसलिए ये कोई असुर तो कदापि नहीं। तो फिर ये ऐसी विनाशकारी ऊर्जा का सृजन क्यों कर रहे हैं? महादेव पुत्र हो तुम, किंतु तुम तो तनिक भी महादेव के समान प्रतीत नहीं होते। महादेव का लंबा कद है, उनका गठीला बलिष्ठ शरीर तो उनके अति बलशाली होने का प्रतीक है। तुमसे कहीं अधिक तो मैं महादेव के समान हूँ गणेश। मेरी छोड़ो, मैं जैसा हूँ उचित हूँ, किंतु तुम तो महादेव की तपस्या करते हो, उनका नाम जपते हो और फिर ऐसी उग्र और विनाशकारी ऊर्जा का निर्माण करते हो, और तुमने अपने इस उग्र ऊर्जा का लक्ष्य मुझे किस प्रयोजन से बनाया है? तो तुम्हें मेरी इस उग्र ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, किंतु ये कैसे संभव है? मैं तो एक तुच्छ और साधारण तपस्वी हूँ जो महादेव का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने हेतु उनकी तपस्या में लीन है। तुम तो प्रथम पूज्य गणेश हो, महादेव के प्रिय पुत्र हो, और तुम मेरी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हो। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनका कोई व्यक्तिगत द्वेष है मुझसे? देखा महादेव, मैं तो आपके प्रिय पुत्र से कहीं अधिक प्रभावी हूँ। अपनी ऊर्जा के प्रभाव में बांध लिया मैंने उसे। स्वयं को महादेव का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं समझते कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी हानिकारक है? देखो इस स्थान को, देखो अपने तप स्थल को, देखो प्रकृति ने जैसे इस स्थान का परित्याग कर दिया है, बंजर बन गया है ये स्थान। अपने तन से उत्सर्जित होने वाली इस ऊर्जा को यही रोक लो। ये कैलाश नहीं मेरा स्थान है, यहाँ आकर मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? कैलाश वासी होंगे तुम्हारे स्नेही, तुम्हारे भक्त, वो सभी देवता जो तुम्हारे जन्मोत्सव का आनंद मनाते हैं, नृत्य गान करते हैं, किंतु यहाँ देखो सर्वथा अकेले हो तुम, कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ। इन्हें मेरे जन्मोत्सव की सूचना कैसे है? तो क्या ये स्वयं भी वहाँ गए थे? नहीं प्रभु, मैंने तो स्वयं सभी अतिथियों का स्वागत किया था। ये वहाँ होता तो मुझे अवश्य स्मरण होता प्रभु।
वहां कैलाश पर होगे तुम जगत पिता महादेव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र, और हाँ अपने भ्राता देव सेनापति का भी साथ प्राप्त होगा तुम्हें, किंतु यहाँ तुम मात्र और मात्र गणेश हो। किया होगा तुमने बड़े बड़े असुरों का संहार, और हाँ अपनी चतुराई से सर्वाधिक बुद्धिमान असुरों को भी अपनी बुद्धि से पराजित किया होगा तुमने। ये भी ज्ञात है मुझे कि सभी देवताओं को, यहाँ तक अपने भ्राता को भी संसार की परिक्रमा करने में अवश्य पराजित किया है तुमने, जिसके कारण तुम्हें प्रथम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। किंतु यहाँ तुम्हें कोई पूजने वाला नहीं है। और होगे तुम नारायण और ब्रह्मदेव के चहेते, की होगी तुमने कठोर तपस्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, और माता से पाए होंगे सभी प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। किंतु स्मरण रखना, जो मेरे शरीर से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो तुम्हें भी नष्ट करने में सक्षम है। गणेश अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, शांत हो जाओ। जैसे किसी बवंडर में तीव्र वायु का प्रवाह होता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर प्रबल क्रोध प्रवाहित हो रहा है। ये तो ज्ञात हो गया था मुझे, किंतु अब मुझे तुम्हारे भीतर अंतहीन ईर्ष्या का भी आभास हो रहा है। ईर्ष्या? क्या प्रभु? प्रभु क्या है ये ईर्ष्या? मूषक जी, ईर्ष्या तो वो भावना है जो किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक अभाव के बोध से उत्पन्न होती है, और जिसका आभास तभी होता है जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं, और हमें इस बात का क्षोभ होता है कि जो अन्य किसी को प्राप्त है और जिससे हम भी योग्य हैं, हम उससे वंचित हैं। किंतु ऐसा क्या है जो मेरे पास है और इनके पास नहीं? प्रभु मुझे क्या थे? क्या मूषक जी? प्रभु ईर्ष्या का तो कोई भी कारण हो सकता है ना? अब देखिए, आपके पास सूंड है, उसके पास नहीं, और ये भी संभव है कि आपके बड़े बड़े लटके कान, उन्हें देखकर इसके भीतर ये भावना उमड़ती हो। ओहो, अब समझो प्रभु, कदाचित मेरे ही कारण ये सब हो रहा है। उसे इस बात की ईर्ष्या है कि मैं आपके साथ हूँ प्रभु, उसके साथ नहीं। ओहो, कितना मूर्ख है वो, मैं अभी जाकर उसे सब स्पष्ट कर देता हूँ प्रभु, समझा देता हूँ उसे। सावधान मूषक जी, उनके पास चार हाथ हैं और वे एक अत्यंत प्रवीण योद्धा भी प्रतीत होते हैं। किंतु मेरे प्रति इतने ईर्ष्यालु क्यों है ये भौम? कौन है ये और क्या है इनका वास्तविक परिचय? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई सदात्मा ही है जिसे उनकी ईर्ष्या ने भटका दिया है। कदाचित ये ज्ञात करने के लिए मुझे ही वहाँ जाना होगा, और इससे भी अधिक ये ज्ञात करने कि वो मुझसे इतना क्रोधित क्यों है। प्रभु, मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, रोक दो इस ऊर्जा को, अन्यथा। अन्यथा क्या करोगे तुम? मेरे बारे में इतना सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये प्रश्न तो मुझसे पूछ रहे हो? मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुरुष की पहचान से ही उजागर हो सकते हैं कि कौन है ये। मैं भूदेवी हूँ, मेरी अपनी कोई संतान नहीं। आपके स्वेत की जो बूंद मुझ पर गिरी उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भोम। भोम? ये तो इसका मतलब है ये मेरे भ्राता है। प्रभु, कदाचित आप कोई सुर अपने दृष्टि डालनी चाहिए, वो सुर देखिए प्रभु।
बस इतना ही? प्रणाम माता भूदेवी। आपने अपनी अंतर्दृष्टि से जो देखा वो सत्य है गणेश जी, भौम महादेव का पुत्र है। अब आपको ही कुछ करना होगा अनिधा। महादेव के दो पुत्रों में महायुद्ध छिड़ जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें पर्याप्त चेतावनी दे चुका हूँ भौम, किंतु अब मैं सृष्टि को तुम्हारी उग्र ऊर्जा के प्रकोप से रक्षित करूंगा। तुम्हारा ये अहंकार, ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो हास्यास्पद है। तुम रोकोगे मुझे? तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूँ। अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिचय दूंगा। संभाल सको तो संभालो मेरा वार। तुम्हारा ये अहंकार, ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो हास्यास्पद है। तुम रोकोगे मुझे? तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि वीर अपना परिचय अपने शब्दों से नहीं देते, उनका पराक्रम ही उनका परिचय होता है। अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिचय दूंगा। संभाल सको तो संभालो मेरा वार। नहीं गणेश, हमारे इस युद्ध में प्रथम वार तुम नहीं करोगे। तुमसे पूर्व मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। इतना दुस्साहस तुम्हारा? तो लो भौम, तुमने स्वयं अपने विनाश को चुनौती दी है, तो अब उसका सामना भी करो। अन्यथा मैं अब तक इस अहंकारी भौम का अंत कर चुका होता। तुम्हें ज्ञात नहीं तुम ये क्या करने जा रहे थे? मैंने तुम्हें समझाया था ना अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। कैसे रखूं अपने क्रोध पर नियंत्रण जब मेरे क्रोध का स्रोत ये भौम मेरे समक्ष है? इसे नष्ट कर मैं अपने क्रोध को सदैव के लिए समूल मिटा देना चाहता हूँ। यदि कोई क्रोधित है इसलिए उसका नाश कर दो, ये उचित तो नहीं? और भौम के क्रोधित होने का एक कारण है जो मुझे ज्ञात हो गया है और तुम्हें भी ज्ञात करना चाहिए, तब तुम उसके क्रोध के मूल कारण को समझोगे। नहीं समझना मुझे, कुछ नहीं समझना। इस भौम को उचित पाठ सिखाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गणेश, तुम अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हो।
भौम की उग्र ऊर्जा से प्रभावित हो तुम, इसलिए क्रोध में अपना आपा खो रहे हो। हाँ, वही उग्र ऊर्जा जिसे लौटाना अस्वीकार किया है इसने। अब हटो मेरे मार्ग से, इसकी उग्र ऊर्जा का उचित प्रयोग करना है मुझे, अंत करना है इसका मुझे। तुम कौन होते हो मेरा अंत करने वाले गणेश? भौम, आप कुछ क्षणों के लिए शांत रहेंगे? क्या आप ये देखने में सक्षम नहीं, मैं स्वयं को ही शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप अपने उग्र शब्दों से अग्नि में घृत का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम इसकी ओर से बोल रहे हो और मेरे ही विरुद्ध हो गए हो। गणेश, मुझे सुनो, शांत हो जाओ। यहाँ किसी युद्ध अथवा रक्तपात की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता हो ना हो, मुझे आवश्यकता है। मैं इस युद्ध के कारण को अभी समाप्त कर देता हूँ। गणेश, हटो मेरे मार्ग से, अभी इसी क्षण। अन्यथा क्या तुम मुझ पर वार करोगे? मुझ पर? यदि भैया यहाँ होते तो तुम्हें मुझ पर वार करने के लिए बहुत कठोर दंड देते। कैलाश लौटने पर उन्हें अवश्य बताऊंगा मैं, फिर देखना। भैया यहाँ होते तो दंडित तुम होते। इस अहंकारी रक्तवर्णी युवक की रक्षा करने और मेरे विरुद्ध जाने के लिए, और उन्हें तो तुम कुछ तब कह सकोगे जब मैं कहने दूंगा तुम्हें। अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें बांधूंगा, फिर इस भौम का भी उचित उपचार करूंगा। स्थिति तो नियंत्रण के बाहर जा रही है और ये सब भौम के उग्र धूम्र के कारण हो रहा है, जो गणेश अर्थात मेरे उग्र स्वरूप के ऊपर मंडराकर उसे और भी आवेशित कर रहा है। उसको इस धूम्र के प्रभाव से रिक्त करना होगा मुझे, और तब मैं उसे भौम का वास्तविक परिचय दूंगा। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं भौम को किसी प्रकार शांत कर उनके प्रभाव को रोक सकूं। इस दिव्य बालक की लीला, कितनी सरलता से इसने न केवल मुझे अपितु अपने क्रोधी प्रतिरूप को भी शांत करा दिया। इसकी उपस्थिति मुझे चिर शांति का आभास करा रही है। ना मन में क्रोध और ना कोई ईर्ष्या का भाव ही उत्पन्न हो रहा है। अब कहो, अब क्रोध शांत हुआ तुम्हारा? सत्य है, क्रोध में क्रोधी व्यक्ति स्वयं का ही नाश करने पर आतुर हो जाता है। मैं क्रोधवश कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। एक बार पुनः मैंने अपने क्रोध को इतना बढ़ने दिया और जिसका दुख है मुझे। किंतु ये मैं अभी भी नहीं समझ सका कि तुम इस भौम की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो। जब मैं तुम्हें वो दृश्य दिखाऊंगा जो मैं देख चुका हूँ, तो इसका कारण तुम भी स्वतः ही समझ जाओगे।
पृथ्वी हूँ, मेरे अपनी कोई संतान नहीं। आपके स्वेद की जो खून मुझ पर गिरी, उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भोम, भोम, भोम। परम ब्रह्म महागणपति के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर धन्य हो गया मैं। प्रणाम गणेश जी। भौम, मुझे ज्ञात हो चुका है कि आप मेरे भ्राता हैं। भ्राता? भौम, आपने मुझे पूर्व में ही क्यों नहीं बता दिया कि आप पिताश्री के ही पुत्र हैं, मेरे भ्राता हैं। पुत्र भौम ने इसका प्रयास तो किया था। जब पुत्र भौम को ज्ञात हुआ कि उसके पिता और कोई नहीं स्वयं महादेव हैं, तो वो उनसे भेंट करने कैलाश गया था। आप कैलाश आए थे, किंतु कब? आपके जन्म दिवस पर, जब कैलाश में आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब मैंने कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास किया था, किंतु महादेव के दो गणों ने मुझे वहां प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। मेरा बहुत अपमान किया और मुझे वापस लौटने को कहा। उसी दिवस से भौम इस आशा में तपस्या कर रहा है कि महादेव उससे प्रसन्न होंगे, उसे दर्शन देंगे और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। आपको कैलाश से अपमानित होकर लौटना पड़ा? ओह, तभी आपको मुझसे इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष है, और इसलिए मुझे आपकी ये उग्र ऊर्जा निरंतर प्रभावित कर रही है, क्योंकि आपकी उग्रता का लक्ष्य तो मैं ही हूं ना। कैलाश में आपका अपमान सर्वथा अनुचित था, किंतु अब मैं उस अनुचित को उचित बना दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब कैलाश में आपका सम्मान होगा और आपको वही अधिकार प्राप्त होगा जो महादेव पुत्र के लिए उपयुक्त है। भ्राता भौम, आप मेरे साथ कैलाश चलिए। गणेश जी, मैं आपके साथ सहर्ष कैलाश चलूंगा, किंतु मेरा एक अनुरोध है, माँ भी हमारे साथ चलेंगी। नहीं पुत्र, अपने पिता से भेंट करने के लिए ये यात्रा तुम्हें ही करनी होगी। मेरी किसी भी यात्रा का आरंभ और अंत आपके बिना कैसे संभव है माँ? यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भ्राता भौम कदाचित उचित कह रहे हैं, आपको भी साथ आना ही होगा माता। उचित है पुत्र, मैं भी चलूंगी। चलिए मूषक जी, हम भी कैलाश जाकर भ्राता भौम के स्वागत की तैयारी करते हैं। इस बार इनका बहुत भव्य स्वागत होगा, ये मेरा वचन है। अरे अरे, और थोड़ा ऊपर, जिससे दूर से भी ये सजावट स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, अब उत्तम है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है अब। पुत्र गणेश, माँ, मैं आज बहुत ही उत्साहित और आनंदित हूँ, क्योंकि आज कैलाश में एक अत्यंत विशेष व्यक्ति का आगमन हो रहा है, और ये सब कुछ उन्हीं के स्वागत के लिए हो रहा है माँ। किंतु पुत्र गणेश, कौन है ये विशेष अतिथि?
ये तो बताओ। हाँ हाँ माँ हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा। किंतु आपको उनके लिए अपने हाथों से विशेष खीर बनानी पड़ेगी। आप बनाएंगी ना खीर? अवश्य गणेश। इसके पूर्व मैंने तुम्हें कैलाश पे किसी के भी आगमन पे इतना प्रसन्न नहीं देखा। अवश्य ये अतिथि अत्यंत विशेष होंगे। अपने पुत्र के इन विशेष अतिथि के लिए मैं खीर अवश्य बनाऊं। कहां कहां से, कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी। कभी कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? चलो प्रस्थान करो यहाँ से। पुत्र भौम। माँ मुझे चिंता हो रही है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ कि कहीं माता पार्वती और पिता महादेव ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो। ऐसा संदेह भी मन में क्यों ला रहे हो पुत्र भौम? देखो मार्ग कैसे पुष्पों से सज्जित है। इस मुख्य द्वार पर ये तोरण देखो, इसका अर्थ है गणेश जी ने महादेव और माता पार्वती से तुम्हारी चर्चा अवश्य की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण कैलाश तुम्हारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है। तो शीघ्रता कीजिए ना माँ, वो आते ही होंगे। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, आप जाइए। अरे पुत्र जाती हूँ। किंतु गणेश ये तो बताओ कि आ कौन रहा है? कुमार कार्तिकी जी, महादेव के पुत्र आपके और प्रभु के भ्राता आ रहे हैं। आपके भ्राता आ रहे हैं, अर्थात प्रभु महादेव के पुत्र। हमारा भ्राता? क्या मूषक जी, क्या कहा आपने? माता ऐसे स्वर में क्यों पूछ रही है? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? गणेश, मूषक जी ने जो अभी कहा क्या वो सत्य? वो माँ। गणेश मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जो मूषक जी ने अभी कहा क्या वो सत्य है? गणेश ये सब क्या है? यदि तुम्हें कुछ ज्ञात था तो वो माँ को पूर्व में बताना चाहिए था ना। यदि माँ को नहीं तो मुझे ही बता देते। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है, माँ भी अत्यधिक प्रसन्न नहीं प्रतीत हो रही हैं। और ये क्या कहा तुमने? हमारा एक अन्य भ्राता भी है? ये तुम क्या अनर्गल बातें कर रहे हो गणेश? मेरा केवल एक ही अनुज है और वो तुम हो। मेरा कोई दूसरा अन्य भ्राता हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं। मत दीजिए मूषक जी, आपने जो कहा आपके उत्साह में आपके मुख से निकल गया। किंतु चिंता मत कीजिए मूषक जी, माँ जब भ्राता भौम से मिलेंगी तो उन्हें शेष प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। किंतु अब ये ध्यान रखना है कि भ्राता भौम के कैलाश में प्रवेश के पूर्व मध्य में ही कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। स्वामी उमा, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? क्या हुआ प्रिय? स्वामी क्या आपको ज्ञात है आज कैलाश में किसका आगमन होने वाला है? जिस विशिष्ट अतिथि के लिए गणेश इतनी धूमधाम से कैलाश में तैयारियां कर रहा है, ज्ञात है आपको कौन है वो? उमा कौन है ये विशिष्ट अतिथि? तोतला जी, माता तो अत्यंत रुष्ट हो गई है, अब विशेष अतिथि के स्वागत का उत्तरदायित्व तो आपके और मेरे कंधों पर ही है। अरे नंदी, वो देती है? क्या तोतला जी, कहाँ देखूं और किधर देखूं? अरे नंदी नहीं, वो देती है, उधर देती है। मैं भोम महादेव पुत्र हूँ, उनसे भेंट करने आया हूँ। ये तो वही है जो गणेश जी के जन्म दिवस पर आया था।
और आज जब कैलाश विशेष अतिथि के आने की तैयारी कर रहा है तो यह यहाँ पुनः कोई नया व्यवधान डालने आ गया। ये दोनों तो वही गण हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया था। नाम के आगे भी कोई परिचय है तुम्हारा? कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर असत्य को सत्य कहने की धृष्टता करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम यहाँ से जाते हो अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए विवश करूं। आने दो इसे, पिछली बार यूं ही जाने दिया था किंतु इस बार अवश्य दंडित करेंगे। तुझे तो प्रतीत होता है ये तेलाब पे अवत्य तो अशांति उत्पन्न करने आया है। ये कौन होता है कैलाश में अशांति उत्पन्न करने वाला? आज भी कितने क्रोध का भाव है इनके मुख पर। नहीं, यदि माँ की उपस्थिति में इन्होंने मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया तो मैं इन्हें क्षमा नहीं करूँगा, अंत ही कर दूंगा इन दोनों का। विश्वास रखो पुत्र, इस बार तुम्हें कोई अपमानित नहीं करेगा। यहाँ जो होगा वो पुत्र गणेश के वचनानुसार ही होगा। उमा, बताओ कौन आ रहा है कैलाश? आपका पुत्र। किंतु गणेश तो लौट आया था, तो क्या कार्तिकेय कहीं गया था और अब लौट रहा है? नहीं स्वामी, गणेश नहीं, कार्तिकेय नहीं, आपका एक अन्य पुत्र। उमा, ये आप क्या कह रही हैं? कौन सा अन्य पुत्र? आपका तृतीय पुत्र आ रहा है आज। मेरा तृतीय पुत्र? कौन सा तृतीय पुत्र? रुको, रुको, रुको! अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। रुको, रुको! तुम यहाँ पुनः लौट आए? स्मरण नहीं पूर्व में क्या कहा था तुमसे? स्मरण है, भली भांति स्मरण है, पर इस बार मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें वो पाठ सिखाऊंगा कि जिसका स्मरण कर तुम सारी उद्दंडता भूल जाओगे। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अकस्मात मेरे भीतर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं इतना तीव्र और आवेशित हो उठा? कैलाश में आपका स्वागत है भ्राता भौम। भ्राता भौम अर्थात ये महादेव के तृतीय पुत्र और गणेश जी के विशेष अतिथि हैं। मैं भोम, महादेव पुत्र हूँ। कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुँच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी, और कहते हैं महादेव पुत्र भोम है। जब पुनः आओगे तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए शिव पुत्र हूँ ये मत कहना। आपने उचित सुना नंदी जी, ये भौम जी हैं हमारे भ्राता। अब आप इनका स्वागत उसी प्रकार से कीजिए नंदी जी, जैसे आप मेरा और भैया का कैलाश लौटने पर करते हैं। अज्ञानतावश पूर्व में हमने आपके साथ जो भी रूखा व्यवहार किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।
कैलाश में आपका स्वागत है। भ्राता भौम, अब माँ और पिताश्री से आपकी भेंट होगी। देखिएगा, आपको देखकर माँ अत्यंत आनंदित हो उठेंगी। मैं इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ नाथ। उमा, आप क्या कह रही हैं? ये मैं समझने में असमर्थ हूँ। गणेश और कार्तिकेय का एक और भ्राता आ रहा है आज, और कुछ ही समय में वो यहाँ पहुँचने भी वाला। अब आप ही बताइए नाथ, ये सुनकर कैसा प्रतीत होना चाहिए मुझे? तो उस युवक से क्या कहूंगी, आप ही बताइए। जगत जननी हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ, किंतु एक पत्नी भी हूँ, और मेरे स्वामी का एक और पुत्र है जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। ये सूचना अचानक प्राप्त कर क्या मेरा विचलित होना अनुचित है? माँ, कितना तेजस्वी है ये युवक, कितना गरिमामय व्यक्तित्व है इसका, कैसी असाधारण सकारात्मक ऊर्जा का स्वामी है ये, कितना मंगल है ये, कितना मंगल है, कितना मंगल है, कितना मंगल है। माँ, यही तो है भैया भौम। हाँ माँ, ये हमारे भ्राता है। माँ, ये क्या हो गया था मुझे? मैं ये कैसे भूल गई कि जगत जननी हूँ मैं, और इस नाते तो इस संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतानें हैं। फिर मैं व्यर्थ में क्यों आंदोलित हो रही थी? पुत्र भौम, उठो पुत्र। माता, महादेव, मैं भौम हूं, भूमि नंदन, और महादेव आप ही मेरे पिता हैं। आपके रोष से आपके मस्तक पर जो श्वेत बूंद उत्पन्न हुई थी, उसी से मेरा जन्म हुआ है। और कदाचित मेरे भीतर से अंगार रूप क्रोध प्रस्फुटित होता है, और इसीलिए मैं अंगारक के नाम से भी जाना जाता हूं। और इसीलिए मैं अंगारक के नाम से भी जाना जाता हूं। देवी पार्वती, मेरी कोई संतान नहीं थी, तो महादेव ने मुझ पर कृपा कर भौम को मुझे दे दिया। और माँ, मेरे जन्म दिवस पर भैया भौम कैलाश भी आए थे, किंतु कुछ गण ने उन्हें अपमानित कर कैलाश द्वार से ही लौटा दिया था। उन्हें भीतर नहीं आने दिया था माँ। हमें क्षमा कर दीजिए माता, वो गण हम ही थे। ज्ञात नहीं क्या हो गया था उस समय हमें, ऐसे जैसे किसी के प्रभाव से क्रोध हम पर छा गया हो। आप उचित कह रहे हैं नंदी जी, आपसे कोई भूल नहीं हुई। आपने वैसा व्यवहार मेरी उग्र ऊर्जा से प्रभावित होकर किया। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी उग्र ऊर्जा गणेश जी को भी प्रभावित करती रही। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री।
किंतु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये ऊर्जा तो स्वतः ही मेरे शरीर से उत्पन्न होती रहती है और इसी ऊर्जा के कारण सदैव मेरी उपेक्षा होती है। उपेक्षा? और तुम्हारी? पुत्र, किसमें इतना साहस है कि वो तुम्हारी उपेक्षा करे? तुम्हें तो देखकर ही मेरे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हें मंगल नाम से पुकारा। और आज से अभी से तुम सभी के द्वारा मंगल नाम से संबोधित किए जाओगे। मेरा पुत्र मंगल आज प्रथम बार हमारे निवास कैलाश आया है, मुझे उसका उचित स्वागत करना चाहिए। ओम धरणी गर्भ संभूतम् विद्युत कांति समप्रभम् कुमारं शक्ति हस्तञ्च मंगलं प्रणमाम्य। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र मंगल, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे तुम्हारी तपस्या का पूर्व में आभास हो चुका था और मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। पिताश्री, जब आप अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें सदैव वरदान देते हैं, तो भ्राता मंगल को भी वरदान स्वरूप उनका उचित स्थान मिलना ही चाहिए ना? पुत्र मंगल, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप नवग्रहों में एक ग्रह का स्थान देता हूँ। ये तो अति उत्तम वरदान है पिताश्री। पुत्र मंगल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा स्थान तुम्हारी माँ के साथ ही होगा। नवग्रहों में तुम अपनी माँ देवी पृथ्वी के साथ ही रहोगे। तुम स्वयं मंगल ग्रह के स्वामी बनकर वहां वास करोगे ताकि पृथ्वी का जनजीवन तुम्हारी ऊर्जा से कुछ ही दूरी पर रह सके। सप्ताह के तृतीय दिवस का नाम तुम्हारे नाम पर आधारित होगा और उसे मंगलवार पुकारा जाएगा। मंगल ग्रह प्राणियों के जीवन के पराक्रम, शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, शक्ति, क्रोध, आवेश और वीरता शासित कार्यों का प्रतिनिधि करने वाला ग्रह होगा। बिना मंगल की शुभ दृष्टि के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, शासक अथवा वीर योद्धा नहीं बन सकेगा। तुम्हारा रत्न मूंगा होगा। प्रत्येक लाल वस्तु का संबंध तुमसे जुड़ा होगा और तुम्हारा वाहन भेड़ होगा। पिताश्री, आपने मुझे स्वीकार कर इतना उच्च स्थान प्रदान कर कृतार्थ कर दिया, किंतु क्या मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? हाँ पुत्र, अवश्य। जब आपको मेरी तपस्या का आभास हो गया था तो आप मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं गणेश की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या मेरी प्रतीक्षा पिताश्री? हाँ, क्योंकि यह सब गणेश के माध्यम से ही होना था, क्योंकि गणेश का नाम मंगल अर्थात
अंगारक से जुड़ना था। कहो गणेश, अब चुनाव तुम्हें करना है, क्या अपना नाम अंगारक से जोड़ोगे? ये तो मेरा सौभाग्य होगा पिताश्री, भ्राता मंगल अंगारक नाम से भी विख्यात है। इसीलिए आज से जो भी चतुर्थी मंगलवार की दिवस पड़ेगी उसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। और अंगारक चतुर्थी का व्रत करने वाले को वर्ष भर की चतुर्थी का फल एक साथ प्राप्त होगा। भ्राता मंगल, आप भी मेरे ही समान एक योद्धा हैं, इसीलिए मैं भी आपको एक वरदान देता हूं। आज से आपका वार मेरा वार होगा। जो भी मंगलवार के दिवस मेरी पूजा करेगा, मैं यथाशीघ्र प्रसन्न होकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। और पिताश्री के कथनानुसार मैं आपको आपका वाहन भी प्रदान करता हूं। दीर्घ समय से अपने पिता का साथ पाने को आतुर था मैं, और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि न केवल मुझे अपने पिता का स्नेह आशीष प्राप्त हुआ, अपितु एक अत्यंत स्नेही परिवार भी मिला। और ये सब आपके कारण हुआ है गणेश जी। मैं आपसे इतनी ईर्ष्या करता था कि आपसे युद्ध करना चाहता था, किंतु आपने मुझे इतना सब प्रदान कर कृतार्थ कर दिया। भ्राता मंगल, जो भी होता है वो माँ और पिताश्री की इच्छा से ही होता है, समझिए ये भी उन्हीं की ही लीला है। अब आप जाकर अपने दायित्व का कार्यभार संभालिए भ्राता। का दुष्कृत्य है ये? किसने किया है ये भयंकर अपराध? महाराज, महाराज ज्ञानरी, ये गणेश ने किया है, महादेव पुत्र गणेश। गणेश, 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 गणेश। स्वामी, देखो दकिनी, कितनी निर्ममता से मेरे पिता का वध किया है उस गणेश ने। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे पिता को मुझसे छीना है। उस गणेश को उसके पिता से छीन कर मैं उसे दूर कर दूंगा। स्वामी, आपके पुत्र का जन्म होने वाला है, मैं चाहती हूं कि तब तक आप मेरे साथ रहें। अपने पुत्र के जन्म के पश्चात आप अपना प्रतिशोध लेने अवश्य चले जाइएगा। उचित है, मैं अभी रुकता हूं।
क्योंकि मेरे पुत्र को भी देवताओं का संहारक बनना है। उसके नेत्र खुलते ही मैं उसे देवताओं के प्रति घृणा से भर दूंगा। मेरे पिता और मेरे समान देवताओं के लिए भयंकर शत्रुता का भाव होगा उसके मन में। मेरे पुत्र का जन्म होने ही वाला है दकिनी, वो भी देवताओं का अंत करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब मैं गणेश को पराजित करूंगा और मेरा पुत्र देवताओं को। अनुज गणेश, तुमने भ्राता मंगल के साथ सर्वथा उचित किया। वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें पिता का स्नेह प्राप्त होता है, और तुमने भ्राता मंगल को पिताश्री से मिलाने का महान कार्य किया है। इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है अनुज। ये है मेरा पुत्र जो देवताओं का महाशत्रु बनेगा। अपने पुत्र को नाम दीजिए स्वामी। ये मेरा पुत्र है दुर्बुद्धि पौत्र, ज्ञानारी का पुत्र, जो मेरी और मेरे परिवार की परंपरा का उत्तराधिकारी बनेगा, जो देवताओं के प्रति हमारी शत्रुता का उत्तराधिकारी बनेगा। ये मेरा पुत्र है सुबोध, 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 सुबोध। मेरी अनुपस्थिति में हमारे पुत्र की उचित देखरेख करना, क्योंकि अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। कहाँ जा रहे हैं आप स्वामी? अभी तो आपके पुत्र का जन्म हुआ है। दकिनी, मैंने तुम्हें वचन दिया था अपने पुत्र के जन्म तक मैं यहां रुकूंगा, किंतु स्मरण रहे मेरे पिता के प्रति मेरा ऋण, तुम्हारे और पुत्र सुबोध के प्रति मेरे कर्तव्य से कहीं बढ़कर है। अब मैं जाकर उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं उसका वध कर चुका होऊंगा। वो मेरे पिता का वधिक है। गणेश, गणेश, गणेश। ये क्या हुआ अभी? क्या मेरे पुत्र सुबोध ने गणेश का नाम सुन उसके सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए? नहीं, गणेश के प्रति इसकी आस्था कदापि नहीं हो सकती। पुत्र गणेश, पुत्र मंगल को उसका उचित स्थान और अधिकार दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाकर तुमने अत्यंत उत्तम कार्य किया है पुत्र। तुमने ना केवल एक पुत्र को अपने पिता से मिलवाया, अपितु तुमने ये भी सुनिश्चित किया कि मंगल की ऊर्जा संसार के लिए हितकर होगी। हाँ माता, जब मेरी भी भ्राता मंगल से प्रथम भेंट हुई थी तो मुझे उनके क्रोध का आभास तो हुआ ही, किंतु उनके भीतर समाहित सकारात्मक ऊर्जा से भी मैं प्रभावित हुआ। हाँ माँ, और इससे अधिक आनंद की और क्या बात हो सकती है कि पिताश्री ने ब्रह्मांड में उन्हें उचित स्थान जो प्रदान किया है। एक पिता के लिए इससे अधिक संतोष की क्या बात हो सकती है कि संसार में उसके पुत्र को उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के साथ यथोचित मान सम्मान भी प्राप्त हो। मुझे अपने सभी पुत्रों पर गर्व है। स्वामी,
यदि अभी आपके और भी पुत्र शेष हैं, जिनसे मैं अनभिज्ञ हूँ, तो उनका परिचय भी दे ही दीजिए। उमा, मैं तो जगत पिता हूँ। संपूर्ण जगत के सभी जीव मेरी संतान हैं। यदि मैंने अपने असंख्य पुत्रों का परिचय देना आरंभ किया तो उसका अंत ही नहीं होगा, तो मैं ध्यान कैसे करूंगा? ये ध्वनि तो शुभ संकेत नहीं है। अब मैं जाकर उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं उसका वध कर चुका होऊंगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। पिताश्री, माँ, भैया। गणेश, क्या हुआ? तुम अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? भैया, असुर दुर्बुद्धि का पुत्र ज्ञानारी कैलाश आ रहा है मुझसे युद्ध करने। ये असुर कभी नहीं सुधरेंगे। आने दो उन्हें। इस संकट को उसके आरंभ से पूर्व ही समाप्त कर दूंगा मैं। नहीं भैया, रुक जाइए। आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, क्योंकि मैं ही अदृश्य हो जाऊंगा। अदृश्य? अदृश्य हो जाऊंगा? और आप सब भी अदृश्य हो जाइए। ये क्या कह रहे हो तुम गणेश? हम अदृश्य हो जाएं? उस असुर से छिप जाएं? तुम ऐसा सुझाव भी कैसे दे सकते हो गणेश? तुम प्रथम पूज्य हो गणेश, और मैं देव सेनापति। माँ आदि शक्ति हैं और पिताश्री स्वयं देवाधिदेव महादेव, और तुम चाहते हो कि हम उस असुर से भयभीत होकर छिप जाएं? नहीं गणेश, नहीं। पुत्र कार्तिकेय, मैं तुमसे सहमत हूं, किंतु यदि गणेश हमें अदृश्य होने का सुझाव दे रहा है तो उसके पीछे उसकी अवश्य कोई लीला होगी। उसकी कुशाग्र बुद्धि से उत्पन्न उसकी कोई योजना होगी, क्योंकि पुत्र गणेश अधर्मियों से युद्ध करने से पीछे हटने वालों में से तो कदापि नहीं। अभी मुझसे कोई प्रश्न मत पूछिए, कृपया बस अदृश्य हो जाइए, अन्यथा विलंब हो जाएगा। तो ये है गणेश का निवास स्थान। कहाँ हो गणेश? बाहर आओ! वो दुष्ट गणेश यहीं कहीं छिपा होगा। जाओ, ढूंढो उसे। हम सभी अदृश्य तो हो गए हैं, किंतु यदि भैया का क्रोध जागृत हुआ तो ज्ञानारी का अंत तो होगा ही, उसके साथ साथ मेरी योजना भी विफल हो जाएगी। गणेश, मेरे पिता का वध करते समय तो भयभीत नहीं हुए तुम? तुम उससे क्यों छुपे हो? बाहर निकलो गणेश, और सामना करो अपने काल का। इस दुष्ट का इतना दुस्साहस,
पिताश्री के ध्यान स्थल में प्रवेश करने जा रहा है। यदि इस पावन स्थल पर इस दुष्ट ने अपना पग भी धरा तो मैं इसका वध ही कर दूंगा। महाराज, यहां तो कोई भी नहीं है। प्रतीत होता है तुम मेरे भय से कहीं भाग गए हो गणेश, किंतु भाग कर जाओगे कहां? संसार के किसी भी कोने में छुपे होगे, वहीं से ढूंढ के लाऊंगा तुम्हें। माँ, पिताश्री, मेरा सुझाव स्वीकार कर अदृश्य होने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भैया, रुक जाइए, भैया रुक जाइए। स्वामी, पुत्र कार्तिकेय इतने आवेश में क्यों है? ओ माँ, कार्तिकेय एक योद्धा है। शत्रु को अपने पराक्रम से पराजित करना उसका धर्म है। शत्रु उसके निवास में प्रवेश कर उसके परिवार के निकट पहुंच चुका था, किंतु कार्तिकेय गणेश की योजना पालन करने हेतु उस शत्रु को युद्ध के लिए नहीं ललकार सका, उस असुर का वध नहीं कर सका, इसलिए उसका क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही है। स्वामी, तो फिर मैं अभी जाकर कार्तिकेय को समझाती। नहीं उमा, गणेश उसके साथ गया है तो इस स्थिति को उसे ही अपनी किसी विलक्षण युक्ति से संभालने दीजिए। उस दुष्ट दंड ज्ञानारी का अंत करना ही सर्वथा उचित होता। बाहर निकलो गणेश, और सामना करो अपने काल का। वो दुष्ट गणेश यही कहीं छिपा होगा। गणेश, मैं कह रहा हूँ अपना ये परिहास बंद करो और मुझे मेरा दंड लौटा दो। मुझे ज्ञात है भैया, आप ज्ञानारी पर बहुत क्रोधित हैं, किंतु मेरे पास उसे उसके इस अपराध का दंड देने का एक उचित उपाय भी है भैया। परिस्थिति और आने वाले संकट को समझकर युक्ति से सूझबूझ के साथ उसका सामना करे वही बुद्धिमान कहलाता है।